पाजी सत श्री अकाल। मैं ठीक हूँ, तुसी सुना भाई? ये पाजी सिद्धू पाजी हैं, उधर सिद्धू पाजी के सॉन्ग चल रहे हैं। कान में रिंग बज रही है तो मैंने कहा भाई को कि मालिश भी कर दो, शायद कहीं कोई नट बोल्ट ठीक हो जाए। आप ऐसे ऐसे क्रीम लगा रहे हो, इतने तो हमारे घर में नहीं है, आदतें बिगड़ जाएंगी। कौन ले आएगा? एक हेयर कटिंग कराने वाला एक बार्बर यहाँ कौन सी गाड़ी रखता है आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें लेक्सस, जो हमारे पास सिर्फ अमीर लोग रखते हैं, बड़े लोग रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में बहुत ज़्यादा व्लॉग अच्छे अच्छे तरीके से जा रहे थे और अचानक उनमें ब्रेक लग गया। वजह यह है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई दो तीन दिन से। मेरी बेटी की भी ख़राब है, मेरी भी ख़राब चल रही है। इसके साथ मेरे ना कल से कान में सीटी बजना शुरू हुई है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है। डॉक्टरों को दिखाने की कोशिश की है, ENT स्पेशलिस्ट का टाइम लेने का बड़ा रोला है, वो मिलता नहीं है जल्दी। और दवाइयाँ डाली हैं, ड्रॉप्स डाले हैं, बहरहाल अभी फ़र्क नहीं आ रहा। एक और मेडिसन अभी डॉक्टर ने सेंड की है, वो जाके लेनी है। इसके साथ एक मैंने ना पाजी को ढूंढा है, इंडिया के पाजी हैं जो हेयर कटिंग करते हैं, उनके पास जा रहा हूँ हेयर कटिंग करवाने। और उनको मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ तो आप मेरी अच्छी हेयर कटिंग करना, तो कह रहे ठीक है, घर के बिल्कुल करीब ही है। पहले मैं जाता था अफ़गानी भाई के पास, वो यहाँ से 20 मिनट दूर थे। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे अपने पाजी की हेयर कटिंग का। तो चैनल को तो आप दे सपोर्ट करते ही रहें, लेकिन वीडियो को पूरा देख लिया करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं शुरू में नहीं बता पाता। तो बहरहाल अभी स्टार्ट करते हैं, पहले चलते हैं दवाइयाँ लेते हैं, बाल बनवाते हैं और देखते हैं, बहुत कुछ इस व्लॉग में शामिल होगा। तो लेट्स गो। यहाँ पहुँचे हैं, अभी जा रहे हैं। सिद्धू नाम है इनका भाई, सिद्धू मूसा वाला और सिद्धू पाजी। तो सिद्धू पाजी के पास फर्स्ट टाइम कोशिश करवाएंगे अपने बाल बनवाएं। यहाँ से हम आइसक्रीम लेने तो आते हैं, उधर से ग्रोसरी भी किसी ज़माने में करते थे जब हम इसी अतराफ़ में रहते थे, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं तो सिद्धू पाजी के पास। पाजी सत श्री अकाल। मैं ठीक हूँ, तुसी सुना? प्यार वाला है ठीक है, मैं आया सी, मैंने कहा ओके मैं वेट करें ना, बैठो। हाँ ओके, क्या हाल है? ठीक है जी। भाई ये पाजी सिद्धू पाजी हैं, उधर सिद्धू पाजी के सॉन्ग चल रहे हैं और यहाँ इनके सैलून है तो बिसो नेट पे। तो अभी आपको पता है मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं और मुझे हिलक्राफ्ट जाना पड़ता था, 20 मिनट की तो दूरी है, और इसलिए मैंने कहा आज इधर ही आते हैं। बड़े अरसे के बाद कोई बंदा मिला है जो अपनी जबान में बाल जो है ना समझ समझ के काटेगा। तो आप फारिग हो जाएंगे ना पाजी, आप बनाएंगे ना? अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ से ना हल्के करने छोटे, ठीक है, यहाँ पीछे थोड़ा स्लोप करना, चौरस करना है, गोल नहीं है ये जो है ना, यूँ सीधा सीधा, मतलब यूँ और ऊपर से छोटे करने, यहाँ यूँ गोलाई थोड़ी देनी, स्ट्रेट नहीं बनाने, राउंड। तो लब्बू भाई अभी बाल काटेंगे हमारे और सिद्धू भाई बिजी हैं। पाजी कब से ये अपना सैलून? ओ हमें पता ही नहीं था। हाँ 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 नहीं, मैं इधर आता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आप। हाँ मैं साहब किसी को पता नहीं है ना खास आने काम का। बिल्कुल बिल्कुल, सारे आते कटे आते हैं। हेड मसाज तो मैं आज कराऊंगा क्योंकि दर्द है बहुत। अच्छा नहीं मैंने फिर देखा नहीं होगा। हाँ 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 मैंने देखा था फिर, सही सही सही। हाँ 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 सही 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 सही, अब याद आ गया मेरे को, मैं उधर ढूंढ रहा था आपको, पता है करोगर के करीब उधर जो हमारे पास है ना वेस्ट एयरपोर्ट वाला करोगर, मैं वहाँ ढूंढ रहा था आपको।
ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਹਾਂ ਸਿੰਧ, ਕਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਓਹੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਕਟ ਕਰਾਣੇ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀ ਕਟ ਬਣਾਤੇ ਥੇ। ਅੱਜ ਬਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੋਂ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਹੋਂਗੇ। ਔਰ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੋਂ ਕਾ ਨਾ ਆਪਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਬਾਲ ਸਹੀ ਕਟੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੋਂਦ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੋ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਜੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਆਪਕੇ ਸੈਲੂਨ ਮੈਂ ਯੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਬੱਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਗਾਣੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ। ਬਚਪਨ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਤੇ ਥੇ ਨਾ ਤੋ ਗਾਓ ਸੇ ਤੋ ਬੱਸ ਮੈਂ ਖੜੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਥੀ, ਤੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਥਾ ਜੰਪ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੋਲਤਾ ਥਾ, ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਸਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਤਾ ਥਾ। ਆਪ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਸੇ? ਵਾਹ, ਕੌਨ ਸੇ ਸਟੇਟ? ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕੋ ਕੀ ਸਟੇਟ? ਹਾਂ ਐਸੇ ਤੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ? ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਸਭ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਬੋਲੋ, ਅੰਬਾਨੀ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰ, ਕੌਣ ਸਾ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਵਿਕੂ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਸ਼ੈਨੋ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਦੇ ਆਰ ਫ্রম ਗੁਜਰਾਤ, ਸਭ ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ, ਸਭ ਗੁਜਰਾਤ ਸੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਅਰੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਥਰੇਡ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਕੈਸੇ ਕਰਵਾਤੀ ਹੋਂਗੀ? ਵਹਾਂ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਪੂਛਗਾਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਕਾ। आप ऐसे ऐसे क्रीम लगा रहे हो, इतने तो हमारे घर में नहीं है, आदतें बिगड़ जाएंगी। कौन ले आएगा? कान में रिंग बज रही है तो मैंने कहा भाई को कि मालिश भी कर दो, शायद कहीं कोई नट बोल्ट ठीक हो जाए। अभी रोजे का टाइम भी होने वाला है और इफ्तार मतलब के करने के लिए भी निकलना है, और बाल भी इन्होंने अच्छे तरीके से वैसे बना दिए, पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ ना कि इतना टाइम हुआ है कभी देसी बार बार मिलते ही नहीं है अमेरिका में, और ये तो लुधियाना के मिल गए, तो लुधियानवी जो है ना यहाँ बहुत हैं और भी हैं हैं। तो लुधियाना के कौन से शहर से हो? मुल्लापुर। मुल्लापुर, मुल्लापुर, मुल्ला हमारा वाला। ये आप जैसे गांव होता है, हाँ, तो मौलवी के नाम पे है या मुल्लापुर कोई? हम मुल्ला, अच्छा हम मुल्ला बोलते हैं ना मौलवी को, अच्छा, पंडित को, तो ये मुल्लापुर के हैं। तो भाई और लब्बन, लब्बू, लब्बू भाई के आज मेरे हाथों से बाल कटे हैं क्योंकि सिद्धू बाजी बिजी थे, और यहाँ इतना अच्छा लगा कि सिद्धू के गाने चल रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के, तो बहुत अच्छा लगा यार इतने दिनों के बाद जाके। ओए ओए ओए, वो हिल क्राफ्ट पे जाओ तो वहाँ वो तुर्की शलीमा सुल्तान के चल रहे होते हैं ड्रामे, सारा दिन दिमाग ख़राब हो जाता है, आज गाने भी सुने। ओए ओए ओए, एक टिकट में इतने सारे मज़े ले लिए।
बाल मेरे माशाल्लाह बन चुके हैं। सिद्धू भाजी, भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह से खिदमत की है, बाल बनाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ सिद्धू भाजी का भी, सिद्धू भाजी आप बिल बना दें और हम नहीं 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 हम करते, कोई मसला नहीं। आप बताएं, बता बता बता, रियायत भली करो, बाकी पैसे पूरे। नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं है, हम तो वैसे भी देने होते, इसका भी इसको भी देने ना, $5। अब देखें कि यहाँ मैं आया हूँ सिद्धू पाजी के सैलून पे, और आपको दिखाऊं कि ये बड़ाई वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको इस मुल्क के अंदर मेहनत का फल कितना मिलता है और किस तरह का मिलता है। एक हेयर कटिंग कराने वाला एक बार्बर यहाँ कौन सी गाड़ी रखता है आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें लेक्सस, जो हमारे पास सिर्फ अमीर लोग रखते हैं, बड़े लोग रखते हैं, और वहाँ ये तकरीबन पाकिस्तान में तो 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ये यहाँ सिद्धू पाजी यहाँ इजीली रख रहा है। और सिद्धू पाजी, इंडिया पाकिस्तान में कोई भी बार्बर इस तरह की बड़ी लग्जरी गाड़ी नहीं रख सकता, और पाजी का ये मेहनत का फल है। पाजी कैसे, अच्छा गुजर होता है? जी जी, ये मैं आपको गाड़ी भी अंदर से दिखाता हूँ, देखें। अब इसमें जो है ना, पाजी कह रहा है भाई बढ़ापन नहीं करना है, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा, माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और दूसरा ये कि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, अंदर अभी भी लेदर की खुशबू आ रही है ना। हाँ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह गाड़ी, जो आप पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते, इंडिया में सोच भी नहीं सकते। यहाँ एक मेहनत कश आदमी, एक मज़दूर आदमी ये वाली गाड़ी ले लेता है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी हम मेहनत करें, रगड़े खाएं, लेकिन हम बड़ी गाड़ी तो क्या, और छोटी गाड़ी भी नहीं रख सकते, और यहाँ इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ये सब मेहनत का नतीजा है। तो अभी मुझे दें इजाज़त, मैंने तो अपने बाल भी कटवाए, और नेक्स्ट टाइम फिर मैं मिलूँगा, अभी जा रहा हूँ, इफ्तार का टाइम है।